स्मार्ट डिस्प्ले सेंटर पे आया हूँ। ये बहुत फेमस जगह है हाउस होल्ड शॉपिंग और अदर एक्सेसरीज़ के लिए। ये मेन उज्मा सेंटर बना है जो कि बिल्कुल क्लिफ्टन अंडरपास के बिल्कुल सामने का एरिया है, आप जैसे कहीं देख सकते हैं। तो मैं ऊपर जाऊंगा और इसको एक्सप्लोर करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं हाउस होल्ड आइटम्स और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये संडे भी ओपन होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्लॉग। तो जी, मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं और आप देखें यहाँ पे बहुत वैरायटी हाउस होल्ड आइटम्स की। तो अभी मैं चलता हूँ, यहाँ पर मुझे पीछे क्लॉक्स वगैरह नज़र आ रही हैं, वो देखता हूँ जाके। देखें कितनी अच्छी अच्छी वॉल क्लॉक्स यहाँ पर मिल रही हैं। आप मुझे इसके प्राइसेस वगैरह बताएंगे? ये देखें कितने वैरायटी यहाँ पे अलग अलग किस्म की वॉल क्लॉक्स। यार ये प्राइसेस क्या हैं इधर वॉल क्लॉक्स की? अच्छा, अलग अलग है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? ऐसे ही अगर हम ये देखते हैं, ये वॉल अच्छी लग रही है जी। अच्छा, और ये जो खूबसूरत सा डेकोरेटिव है, ये कितने का जी? 4,000 अच्छा, सही 4,000-5,000 स्टार्टिंग 1,300 से बताया मैंने। और ये लैम्प्स है? अच्छा, लैम्प की भी देखिए बहुत खूबसूरत वैरायटी यहाँ पर। अगर आप लोग को टेस्ट लैम्प और इस तरह के लैम्प पसंद है तो आप यहाँ पे आगे आराम से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जो है स्टैंडिंग क्लॉक है। बहुत ही वैरायटी है। ये डेकोरेटिव पीसीज हैं? अच्छा, ये आर्टिफिशियल है ना? ये जो प्लांट हैं ये मतलब आर्टिफिशियल है, नकली है? अच्छा, ये भी डेकोरेशन के लिए हैं। इधर भी देखें बहुत सारे यहाँ पर डेकोरेटिव पीसेज हैं, अलग अलग तरह के ग्लास और डिफरेंट टाइप्स की शील्ड्स, इस पर वो कुछ आर्ट सा बना हुआ है। यहाँ पर भी बहुत डिफरेंट किस्म के अच्छे प्लेट्स भी सारे डेकोरेशन के लिए हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर भी ये बहुत खूबसूरत सी दो ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर भी डेकोरेशन पीसेस हैं। अच्छा, ये बैग्स हैं, ये गुडी बैग्स जो होते हैं आप किसी की पार्टी वगैरह है वैसे आपने अपने ऑफिस वगैरह लेके जाने हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी आर्टिफिशियल प्लांट्स की बहुत बड़ी यहाँ पे वैरायटी है, अलग अलग किस्म के मिल रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पॉट्स भी मिल रहे हैं। और इधर भी देखें बहुत खूबसूरत से ये ग्लास के डेकोरेशन पीसेज हैं रखे हुए। यहाँ पर ये देखिए लेडीज़ के लिए कैचर वगैरह और क्लिप्स वगैरह भी रखे हैं, तो ये भी यहाँ पर इस चीज़ की वैरायटी है। ये कैंडल्स हैं और पीछे जो है स्टेशनरी कुछ आइटम्स हैं, बैटरीज वगैरह भी मिल रही हैं। अच्छा, बैक साइड भी जा रहा है, बैक साइड भी चल के देखते हैं, बोले बैक साइड पे भी आइटम्स हैं। अच्छा, इधर भी ये देखें खूबसूरत किस्म के डेकोरेटिव पीसेज और प्लांट्स। अच्छा, ये कुछ इसमें हैंग करने के लिए भी होंगे? अच्छा, ये हाँ, ये आप चाहें तो उसको हैंग भी कर सकते हैं घर को खूबसूरत बनाने के लिए, या अपना लिविंग रूम अगर आप चाह रहे हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर साथ में ये केटल्स वगैरह हैं, केटल्स हैं सही, कॉफ़ी केटल्स हैं और इनकी भी वैरायटी है, साथ में ग्लास की भी हैं और स्टील की भी हैं। सही,
अच्छा ये यहाँ पर ये रेगुलरी वगैरह। अच्छा अच्छा ये इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह की अलग अलग किस्म की वैरायटी में मिल रही है। जी किचन अप्लायंसेस है, मतलब किचन यूटेंसिल्स वगैरह अप्लायंसेस के साथ साथ। नीचे भी देखें अलग अलग किस्म की कैटल्स की वैरायटी है। अच्छा ऊपर ये क्या, ये नाइफ वगैरह है, इसके सेट पूरे सेट हैं। जी किस तरह है ये जो नाइफ का सेट? अच्छा सही, अलग अलग रेट्स होंगे ना इनके भी? अच्छा ठीक ठीक, 6000 समथिंग के ना कुछ बता रहे, 6200 के। अच्छा यहाँ पर ये देखें ये पतीलियाँ भी रखी हुई हैं यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील की है ना? ठीक ठीक। और नीचे ये वो जो क्या क्या चीज़, हाँ हाँ उसके लिए ठीक है। नीचे मतलब हर किस्म के किचन के आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इधर भी ये नाइफ हैं, अगर आप पेयर में लेना चाहें सिंगल लेना चाहें वो भी अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है किचन आइटम्स की भी। लेडीज़ के लिए तो ख़ास तौर पे ये जगह जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के पैन पॉट कुकर्स और ग्लास लेट्स के साथ ये कढ़ाइयाँ वगैरह ये भी मिल रही हैं। अच्छा ये ब्रांड्स भी अच्छे अच्छे सोनेक्स का नज़र आ रहे हैं, सोनेक्स का पर्सनली हम लोग खुद भी यूज़ करें तो ये भी अच्छा होता है। और ये किसका? अच्छा टेस्कोमा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये आगे भी पैंस वगैरह रखे हुए हैं, ये सारे इंडक्शन। सही, ये इंडक्शन है, ये इंडक्शन जो कुक हुआ है आजकल चूल्हे उनके लिए, जो आजकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनके लिए ना। हाँ ये सारे इंडक्शन फ्रेंडली देख लें, अगर आप लोगों के गैस वगैरह का मसला होता है आपके पास इंडक्शन कुकर हैं या इंडक्शन जो भी आपके स्टोव हैं तो उनमें भी आपके काम आ सकते हैं बर्तन। अच्छा इधर ये सारे वो हैं स्टेनलेस है और दूसरे का। अच्छा स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही पड़े हैं और दूसरे मेटल के भी बर्तन हैं जो आप ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं पतीलियाँ वगैरह। अच्छा ये देखिए वो स्ट्रेनर वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, और भी जो आप कुकिंग वगैरह में आपकी चीज़ें टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सब यहाँ अवेलेबल हैं। इधर भी छुरियों की वैरायटी है और सीजर्स भी हैं। यहाँ पर ये देखिए इधर अलग अलग किस्म के किचन यूटेंसिल्स हैं, हर किस्म के आपको फोन और कुकिंग के लिए जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। बेलन वगैरह हैं, अच्छा ये मुझे पूछना था आपकी ये क्या चीज़ है? ये टोंग है, अच्छा ये टोंग है, ठीक ठीक ठीक। ये मज़ीद और वैरायटी है किचन यूटेंसिल्स की, स्ट्रेनर वगैरह और भी अलग अलग चीज़ें। चीज़ श्रेडर है, अच्छा ये मेरे ख्याल सांचे होंगे ना जिसमें आप, ठीक है, अलग अलग शेप दे सकते हैं कुकीज़ वगैरह कुछ बेकिंग करें तो उसके लिए आपके काम आते हैं। हाँ अच्छा यहाँ पर ये आ गए पैंस, ये पैंस और फ्राइंग पैंस आ गए, तो इनके भी अच्छी खासी से सोनेक्स ही नज़र आ रहे हैं। और किसके आपके पास सोनेक्स ही हैं सारे? अच्छा अच्छा, इनमें वो होते हैं इंडक्शन वाले बता रहे हैं, इनमें है। इंडक्शन को कुकर के लिए जो इंडक्शन पे बनाते हैं स्टोव पे वो हैं या नहीं है इसमें? अच्छा वो उधर ही हैं, ठीक ठीक ठीक। ये देखें इधर भी बहुत वैरायटी है, और हाँ ये प्रेस्टीज की है। अच्छा प्रेस्टीज तो मेरे ख्याल सबसे एक्सपेंसिव होगा ना इन सब में से, इन सारे ब्रांड में से, क्योंकि प्रेस्टीज की क्वालिटी भी अच्छी होती है। हाँ और अच्छा ये भी इंडक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नीचे वाले सारे इंडक्शन, वो इंडक्शन कुकर इंडक्शन स्टोव वगैरह में इस्तेमाल आप कर सकते हैं इजीली।
इधर देखें बहुत वैरायटी है किचन यूटेंसिल्स की, किचन वेयर की, तो आपको हर किस्म का किचन का सामान यहाँ से इजीली मिल सकता है, मतलब वन स्टॉप शॉप है ये। अच्छा, ये सारे स्टेनलेस स्टील की चीज़ें, बर्तन वगैरह। ये देखिए ये सर्विंग ट्रे, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत किस्म के सर्विंग ट्रे हैं जो आपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, इसमें अलग अलग किस्म के मील्स। और ये हॉट पॉट हैं, बहुत ही अच्छे खूबसूरत वैरायटी है हॉट पॉट की, यहाँ से शुरू हो रही है, देखिए अलग अलग किस्म के। क्या चीज़? ये रशियन है। अच्छा, ये देखिए आप कितना खूबसूरत है, ये हर किस्म के हॉट पॉट हैं, हर साइज़ के मिल जाएंगे ना, बड़ा छोटा, तो इसमें भी आपको आसानी होगी। और यहाँ पर ये देखें तो ये सारी जो है पॉट्स हैं, ये डिशेज हैं जिसमें ये प्लेट आपकी डिशेज है। और यहाँ पर ये देखें ये भी खूबसूरत। अच्छा, ये मेरे ख्याल टर्किश है ना, ये टर्किश है। ये देखें ये सारे बर्तन जो यहाँ पे हैं ये टर्किश हैं, ये बोरकैम को या टर्किश ब्रांड है, तो इसका भी अच्छे आइटम्स होते हैं। अच्छा, ये भी लेट के साथ है, ये प्लास्टिक लेट के साथ है। और यहाँ पर ये देखो ऊपर जग हैं रखे हुए, बहुत ही खूबसूरत किस्म के अलग अलग किस्म के जग हैं। अच्छा, विद लेट भी हैं और विदाउट लेट भी हैं, मतलब कवर के साथ भी और बगैर कवर के भी। ये बॉटल्स हैं रखी, ये वाटर बॉटल्स उसकी हैं, अच्छा ऑयल बॉटल्स हैं। अच्छा, सही है, ये ऑयल बॉटल हैं, और ये मेरे ख्याल ग्लास की है ना, प्लास्टिक की नहीं है। यहाँ भी नीचे भी देखें, यहाँ पर भी जग और उनकी वैरायटी है। अच्छी खासी जो भी आप आइटम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी हर किस्म की वैरायटी है अवेलेबल। अच्छा, यहाँ ये देखिए स्पून वगैरह, कटलरी, यार ये 6 पीसेस मिलते हैं और सेपरेट तो नहीं मिलता होगा ना, कि अगर एक कोई एक दो। अच्छा, ये अलग से भी पड़े हुए हैं। अच्छा, ये अलग से भी अगर आप लेना चाहें तो अलग, मतलब क्या है पर पीस क्या है इसका? ये जर्मन का है, ये एक के 425 रुपये। ये कहाँ का है? ये जर्मन का सर। अच्छा, जर्मनी का है? हाँ, एलिगेंट कंपनी। अच्छा, एक पीस कितने बता रहे हो? 420। सही, इस तरह से ये इम्पोर्टेड है, ये लोकल नहीं है, तो मतलब अगर आपको इम्पोर्टेड आइटम लेने था आप इम्पोर्टेड आइटम की, ये लोकल है। अच्छा, नीचे इम्पोर्टेड है और ये लोकल है। ये तो सेट में मिलेंगे ना? ये किस तरह का है? एक सेट 450। अच्छा, ये पूरा सेट है 450, वो एक कुछ 400 कुछ का मिल रहा था ना, ये पूरा सेट है। तो ये बात इम्पोर्टेड लोकल का फ़र्क है। तो ये स्पून वगैरह भी यहाँ पर